नमस्कार दोस्तों। तो एक दो दिन पहले आपने ये खबर देखी होगी कि एक बांग्लादेशी फैन है जिसको इंडियन फैंस ने, ऐसा कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है कि उसको इंडियन फैंस ने पीट दिया है और उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गया है। उनकी आपस में थोड़ी झड़प हो गई थी अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने को लेकर के। तो अगले 10-15 मिनट में इस पूरे जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है इस सुपर फैन, बांग्लादेशी सुपर फैन टाइगर रॉबी ने जिस जो कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी की है उसके बारे में एक फैक्ट चेक करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन। और क्योंकि ये पर्सन जो है वो कई बार यूटर्न ले चुका है, कभी ये बोलता है कि झगड़ा हुआ था, कभी ये बोलता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर ये बांग्लादेश जब पहुंच जाता है तो फिर वहां से बोलने लगता है कि इंडिया की इमेज को खराब करने की कोशिश करता है। और ऐसा कोशिश जो है ना, आप अभी पिछले कुछ महीनों में लगातार देख भी रहे हो कि इंडिया की इमेज को ग्लोबल लेवल पर खराब करने की बहुत सारी कंट्रीज मिल करके कोशिशें कर रही हैं, जिसमें बांग्लादेश इस समय सबसे ऊपर नंबर पर है। और वो ऑब्वियस रीजन से है क्योंकि हमने शेख हसीना जी को बिल्कुल सेफ सिक्योर पैसेज दिया बांग्लादेश से और यहाँ पर ला करके इंडिया में वो अच्छे से रह रही हैं, उनको डिपोर्ट करने की भी कोई बातचीत नहीं की जा रही है। तो इससे जो है वो बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ भी थोड़ी परेशान है, पाकिस्तान तो हमेशा परेशान रहता ही है, US ने भी आप देखा ही किस तरीके से बांग्लादेश से मिल करके आए। तो ये सारी चीज़ों में इंडिया को ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज को टार्निश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब होता क्या है कि देखो, क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे फैंस हैं। एक तो ये फैन है जिसका नाम है टाइगर रॉबी के नाम से इसको जाना जाता है। एक्चुअल में इस फैन का नाम है रबी उल इस्लाम। तो ये रबी उल इस्लाम जैसे कई फैंस होते हैं जो अपनी टीम को सपोर्ट करने जहाँ जहाँ पर भी इनकी टीम्स खेलती हैं उनको वहाँ पर उस कंट्री में जाते हैं। तो ये बांग्लादेश का फ़ैन है, बांग्लादेश का रहने वाला व्यक्ति है और जहाँ पर भी बांग्लादेश क्रिकेट खेलने जाता है वहाँ पर ये बांग्लादेश की टीम को सपोर्ट करने पहुँच जाता है। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर के फैंस देखे होंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो भी महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं उनके ऐसे फैंस होते हैं जो जाते ही हैं मैच देखने, डाई हार्ट फैंस होते हैं। ये पूरा उस कलर में करा के और सब अपने शरीर पे सचिन लिखवा के या धोनी लिखवा के ऐसे आपने देखा होगा करते हैं लोग। तो उसी तरीके का एक फ़ैन है रबी उल इस्लाम जिसको टाइगर रॉबी के नाम से जाना जाता है, बिकॉज वो पूरा बांग्लादेश का वो टाइगर वाला पूरा वो कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के और फिर झंडा वंडा बांग्लादेश का लहराता रहता है, इसलिए उसको टाइगर रॉबी के नाम से जाना जाता है। तो 28 सितंबर को इस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी और वहाँ से इंडिया की इमेज को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा। कानपुर में जो इंडिया और बांग्लादेश का जो सेकेंड टेस्ट मैच हो रहा था उसमें एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई, उसमें खबरें सामने आई, कई सारी मीडिया आउटलेट्स ने ये चीज़ छापी कि जो रॉबी है उसको मारा पीटा गया है और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। हालांकि जब CCTV फुटेज चेक किया गया तो उसमें कुछ और ही नज़र आ रहा था, उसमें नज़र आ रहा था कि ये पूरा जो है इंजॉय कर रहा है मैचेस को, वहाँ से सी बालकनी जो है वहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ से पूरे मैचेस को इंजॉय कर रहा था, फ्लैग वैग होस्टिंग कर रहा था। तो एग्जैक्टली इस दिन क्या हुआ था उसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये एक मेडिकल वीज़ा पर यहाँ पर इंडिया में आया था और मेडिकल वीज़ा पर आने के अपना इलाज करवाने के बजाय ये सारे क्रिकेट मैचेस को इंजॉय कर रहा था। पहला क्रिकेट मैच जो चेन्नई में हुआ ये वहां पर भी गया, दूसरा जो कानपुर में हो रहा था ये वहां पर भी मौजूद था। और इसी कानपुर वाले क्रिकेट मैच में असली कंट्रोवर्सी होती है। जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं पुलिस के, उन्होंने बताया, उनका नाम है राजेश कुमार, उन्होंने बताया कि ये इसको एक मेटास्टैटिक कैंसर है और इसी मेटास्टैटिक कैंसर की वजह से ये इंडिया आया हुआ था एक मेडिकल वीज़ा पर। हालांकि इसका जो मेडिकल वीज़ा है वो भी एक्सपायर हो चुका था, लेकिन बजाय ये कि अपना ये इलाज करवाए और हावड़ा में इसका इलाज होना था वहाँ जाए, ये इसके बजाय घूम घूम के क्रिकेट मैचेस देख रहा था। तो हो सकता है कि ये भी इसने फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए हों, अभी इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी तबीयत ख़राब है, इसको एक मेटास्टैटिक कैंसर है और इसने इलाज कराने के बावजूद क्रिकेट मैच देखना पसंद किया, इसलिए ये वहां पर देख रहा था और वहीं उसी दौरान इसकी तबीयत खराब हो जाती है और ये अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। अब एग्जैक्टली पूरे उस दिन कैसे ये सारी चीज़ें शुरू हुई, कैसे कब आया, वो सारी चीज़ें जानने के लिए देखो, होता क्या है कि 18 सितंबर को ये पहली बार इंडिया आता है और इंडिया में ये मेडिकल ग्राउंड्स पर अपना ये मेडिकल वीज़ा के लिए अप्लाई करता है और फाइनली 18 सितंबर को इंडिया लैंड करता है और हावड़ा में इसका ट्रीटमेंट होना था। तो हावड़ा जाने के बजाय ये क्या करता है कि उसी दिन जो है चेन्नई के लिए निकल जाता है जहाँ पर पहला मैच हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो वो पहला टेस्ट मैच जो है वहाँ पर भी ये इसको देखा गया, वो वहाँ की CCTV फुटेज में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर ये पूरा इंजॉय करता है पहला टेस्ट मैच और उसके बाद ये सेकेंड टेस्ट मैच के लिए कानपुर के लिए रवाना हो जाता है और कानपुर पहुँच करके ये एक नई पूरी कॉन्ट्रोवर्सी कर देता है। अब कई सारे मीडिया आउटलेट्स जो कि बांग्लादेश के लोकल मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को माना है कि एक पर्सन जो है रबी उल इस्लाम उर्फ टाइगर रॉबी ये एक बहुत बड़ा अटेंशन सीकर है और ऐसी घटनाएं बहुत बार ये कर चुका है। तो ये कानपुर वाले टेस्ट में पहुंचता है और वहाँ पर पहुँच करके होता क्या है कि अचानक से 27 सितंबर का दिन था और इसको सी बालकनी में देखा गया, बकायदे पूरे मैच में ये इंजॉय कर रहा था, फ्लैग होस्टिंग कर रहा था,
चीयर कर रहा था अपनी टीम को। अब क्योंकि इसको मेटास्टैटिक कैंसर था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बताया गया कि इसी की वजह से फ्लैग, एक तो इतना लंबा फ्लैग उसको होइस्ट करना लगातार, फिर अपनी टीम को चीयर करना, इन सब में बहुत मेहनत लगी। और एक तो गर्मी का टाइम तो एग्जॉशन हो गया, एग्जॉशन के कारण इसको ब्रेथलेसनेस फील होने लगी और उसकी वजह से ये अचानक से गिर गया। उसके बाद पुलिस इसकी हेल्प करने आई, इसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और जैसे इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो वहाँ पर इंडिया के जितने मीडिया आउटलेट्स थे, न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स थे, सब वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ पर जब इससे पूछा गया तो इसने वहाँ पर अपना अटेंशन सीक करने के लिए इसने बोल दिया कि मेरी कुछ फैन से झगड़ा हो गया था और उसी की वजह से मेरी उनसे लड़ाई हो गई और उन्होंने मुझे पीट दिया। जैसे ही उसने ये चीज़ बोली, ये पूरी आग की तरह ये खबर और ज़्यादा फैलने लगी, बजाय इसके कि सारे मीडिया आउटलेट्स, न्यूज़ आउटलेट इस चीज़ को पता करते कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, पुलिस के पास पता करते कि पुलिस का इसमें क्या कहना है। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है, उसमें चेक होता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किससे झगड़ा हुआ था, कौन लोग थे। बिना इसके, बिना कोई जांच पड़ताल के सब ने अपने अपने न्यूज़ छाप दिए। बांग्लादेश में भी कई सारे लोकल मीडिया में न्यूज़ पूरी फैलने लग गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आग की तरह एक खबर फैलने लगी कि इंडियन फैंस ने एक बांग्लादेशी फ़ैन को पीट दिया है और टीम के सपोर्ट को लेकर के आपस में इनमें झगड़ा हो गया था, इस वजह से उसको पीट दिया है और वो पर्सन जो है अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। बाद में फिर ये मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस ही इसको हॉस्पिटल में लेकर भी गई थी, तो पुलिस को ये चीज़ पता थी कि ये पीटा वीटा गया होता तो शरीर पे निशान होते, मारपीट होता तो भाई साफ साफ पता लग जाता है मारपीट हुआ है, वहाँ पर और भी लोग उसमें शामिल होते। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को आराम से चलता हुआ देखते हुए आया था, एक कांस्टेबल थे वहाँ पर, उन्होंने उसको चलता हुआ आते हुए देखा और अचानक से बैठ गया ज़मीन पर, वो देखा फिर वो दौड़ते हुए इसकी हेल्प करने चले गए। तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं शक था कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तो फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज लिस्ट निकाली स्टेडियम की, जहां पर इसको सी बालकनी में मजे से ऐश करते हुए देखा जा रहा है, पूरा झंडा वंडा ये फहरा रहा है और वहां पर उसके आसपास भी कोई पर्सन नहीं है। तो पूरे सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी इसकी कोई ऑल्टरकेशन नहीं हुई। और फिर बाद में इसके मेडिकल वीज़ा के बारे में सब कुछ पता चली गया था कि ये सब फॉल्स है, मेडिकल वीज़ा जो जिस पर ये आया है बराए इसके कि वो अपना इलाज कराए, ये घूम घूम के क्रिकेट मैचेस वगैरह देख रहा है, और जिस वीज़ा पर ये आया है वो वीज़ा भी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। ये सारी कहानी तब तक बाहर आ चुकी थी, पुलिस ने दो मिनट में सब कुछ निकाल लिया था। तो जैसे ही इसको फिर से होश आता है तो अब इसको पता तो चल ही गया था कि सब कहानी पुलिस ने निकाली ली होगी, जितना अटेंशन सीख करना था वो तो मैंने कर लिया पूरी दुनिया की मीडिया का, अब इनको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो इसने कंप्लीट यू टर्न लिया और कहा कि देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं जो है बीमार हूँ और मुझे मेटास्टैटिक कैंसर है जिसकी वजह से मुझे ब्रेथलेसनेस फील होने लगी एग्जॉशन की वजह से और उसी की वजह से मैं गिर गया वहाँ पर। और बाकायदे एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है जहाँ पर ये चलता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है और अचानक से ये ज़मीन पर बैठ जाता है और हाँफने लग रहा है, हाँफता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर बैठ जा रहा है। और उसके बाद पुलिस वगैरह वहाँ पर जो आसपास स्टाफ था वो सब इसकी हेल्प करने आते हैं और इसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। तो एग्जैक्टली यही घटना हुई थी, किसी इंडियन फैन ने इसको कोई मारा पीटा नहीं था। अब उसके बाद क्योंकि इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया था तो जब हॉस्पिटल से ये रिलीज़ हुआ तो इससे पूछा भी गया कि अगर आप मेडिकल वीज़ा पर आए हो तो आप इसको एक्सटेंड करवा लो और यहाँ पर अपना इलाज वगैरह करवा लो, लेकिन इसने खुद रिक्वेस्ट किया कि नहीं मुझे डिपोर्ट कर दिया जाए। तो फाइनली कानपुर से इसको दिल्ली भेजा गया और दिल्ली से फिर इसने फ्लाइट पकड़ी और ये ढाका पहुंच गया। खुद इसके रिक्वेस्ट पर ही पुलिस इसके साथ पूरे इस पूरे प्रोसेस के दौरान भी रही, जिसको जब डिपोर्ट किया जा रहा था तब भी पुलिस इसके साथ में रही। इस पूरे प्रोसेस में पुलिस ने इसका बहुत साथ दिया, इंडियन पुलिस ने। और फिर फाइनली जैसे ये बांग्लादेश पहुंचता है फिर वहां से खबरें आना शुरू होती हैं कि ये वहां पहुंच करके अलग अलग तरीके से इंडिया की इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रहा है। अब ये वहां पहुंच करके कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक बहुत ख़राब कंट्री है फॉरेनर्स के लिए, वो फॉरेनर्स को बिल्कुल ग्रीट नहीं करते, बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, और अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से फार बेटर कंट्री है। ये सारी बातें कह रहा है, हालांकि न्यूज़ मीडिया में आया है, सब जगह पर आया है, लेकिन अभी इसके ऊपर भी श्योरिटी नहीं है कि इसने क्या कहा, क्योंकि ये हो सकता है कल के दिन फिर से यू टर्न ले ले, कह रहे मैं तो इंडिया को बहुत अच्छा कह रहा था, वो तो गलत तरीके से छाप दिया गया कि मैं इंडिया को गलत कह रहा था। और खुद बांग्लादेशी कई सारे मीडिया आउटलेट्स आप जाकर के चेक करना, जिन्होंने कहा है कि टाइगर रॉबी एक बहुत बड़ा अटेंशन सीकर है, अपॉर्चुनिस्ट है, इसको अपॉर्चुनिटी मिली, इसने अपनी इसको हेल्थ की वजह से अपॉर्चुनिटी मिली और इसने उस पूरे मामले को बुनाया और पूरे मीडिया का अटेंशन अपने ऊपर एकत्रित कर लिया। ऐसे करते हुए बहुत लोग नजर आ जाते हैं, इसलिए इंडिया और बांग्लादेश के ऑलरेडी जो बहुत खराब रिलेशन है उनको और खराब करने की कोशिश ना किया जाए, बल्कि उनको और बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, आपको समझ
समझ में आ गया होगा कि सच्चाई क्या है इस पूरे मामले की। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए अनअकैडमी का अपना ऑफर जो है वो अपने लास्ट स्टेजेस में चल रहा है। आज लास्ट 12 घंटे हैं आपके पास इस ऑफर को अवेल करने के लिए। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके इस प्राइस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी, प्लस उसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा, स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी आपके लिए लगाए जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप इतना 24,999 का अमाउंट आपको बड़ा लगता है और आप एक बार में पे नहीं कर सकते हैं तो अनअकैडमी के पास फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी हैं। आप नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन ले सकते हो, यहाँ पर हमारे पास वो भी अवेलेबिलिटी है। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।